क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को सलाइन बॉटल के आड़ में गांजा तस्करी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि समरपुर से आ रहे एक ट्रक में गांजा तस्करी की जा रही है। ऐसी जानकारी पर पुलिस शुक्रवार की रात को शहर के पार्डी स्थित भवानी अस्पताल के पास ट्रक पर रेड मारकर 87 किलो गांजा जिसकी कीमत 13,06,600 रुपए बताई जा रही है। इस कार्यवाही में शेख शाहरुख शेख खलील और गौरव राउत नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शेख शाहरुख शेख खलील ये खुद ट्रक का चालक मालक है और पार्डी में ही उसका रहना है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी नेवी कंपनी के सलाइन की बोतल वाड़ी में किसी को देने आ रहे थे। रास्ते में समलपुर में उन्हें चार लोग मिले जिन्होंने उन्हें गांजा नागपुर पहुंचाने के लिए दिया था। इस कार्यवाही में पुलिस ने 10 लाख रुपए का ट्रक भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ये गांजा धनतोरी परिसर में किसी व्यक्ति को देने वाला था। संबलपूर वरून गांजेची खेप येणार आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही भंडारा रोडवर ट्रॅप लावला होता। त्यामध्ये एका टाटा अल्ट्रा या ट्रकमध्ये एकूण 87 किलो 110 ग्रॅम गांजा आम्हाला मिळून आल्याने त्यातील संपूर्ण मुद्देमाल आम्ही ट्रक आणि सगळं गांजाच्या मुद्देमाल आम्ही जप्त करून पुढील कारवाई करत आहोत। यांच्यामध्ये दोन आरोपी आहेत, एक आहे शेख शाहरुख शेख खलील आणि दुसरा गौरव नीमचंद राऊत। हे दोघंही ट्रकवरच काम करतात, ट्रक चालवतात। एक शेख शाहरुख हा ड्रायव्हर आहे आणि त्याच्यासोबत गौरव राऊत हा त्याचा क्लिनर आहे। हे दोघंही ट्रक ड्रायव्हर आणि क्लिनरच आहेत आणि त्यांच्या आतापर्यंत चौकशीत त्यांनी संबलपूरवरून माल आणल्याचे सांगितले। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।